हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बेला जी। आज मैं आपके साथ स्किन केयर के वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके काम की है। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, बहुत लोगों को पैचेस आने की मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। स्किन जो है ड्राई नहीं है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कैसी भी स्किन है, लेकिन व्हाइट हल्के हल्के पैचेस दिखते हैं। ऐसे देखिएगा तो हल्का सा सफ़ेद पैचेस दिखते हैं, जैसे छिले छिले टाइप के, वैसे व्हाइट पैचेस दिखते हैं। तो बात करते हैं वो व्हाइट पैचेस आते क्यों हैं। व्हाइट पैचेस आपकी स्किन और अंदर से बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तब आते हैं। तो आप लोग सोचेंगे ना कि बॉडी तो डिहाइड्रेट होती है, पानी पियो, दुनियादारी करो और उसके बाद जो है हाइड्रेशन जो है होने लगता है, लेकिन स्किन कैसे डिहाइड्रेट होती है। जी हाँ, बिल्कुल, स्किन भी डिहाइड्रेट होती है बॉडी के साथ साथ। इसके क्या उपाय है? सबसे पहले आपको लॉट्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना है, यानी कि पानी बहुत पीना है। काफी बार आपने हीरोइंस को, सेलिब्रिटीज को स्किन केयर में सबसे पहले बोलते सुना होगा कि बस पानी पियो, बहुत पानी पियो। तो लोग ये कहते हैं पानी पीने से, काफी मीम्स भी वायरल हुई है कि पानी पीने से पेशाब भी लगती है मिडिल क्लास वालों को, सिर्फ जो हाई क्लास है या सेलिब्रिटीज है अमीरों को, उनके ही स्किन ग्लो करती है। नहीं, स्किन ग्लो तब करती है जब आपकी स्किन हाइड्रेटेड होती है। अंदर से अगर आप पानी पीते हैं तो स्किन हाइड्रेटेड होती है, बॉडी हाइड्रेटेड होती है, तो उसके साथ ही साथ आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड होती है। तो सबसे पहले आपको इंटरनल जो बताया बॉडी हाइड्रेट करने के लिए, आपको लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है। फ्रूट जूस हो गया है, मिल्क हो गया है, कैसे भी सूप्स वगैरह हो गए, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा पानी पीना है। 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में पी जाना है। गर्मियों में तो आदमी पी लेता है, सर्दियों में नहीं पी पाता है, उतना ज्यादा प्यास नहीं लगती है, लेकिन आपको अपने पास बॉटल रखनी है। नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर की जो वाटर होता है उसको हर थोड़ी देर में बॉटल से आपको पी लेना है, तो पता चल जाएगा एक बॉटल खत्म होती है आपने इतना पानी पी लिया है। इस तरह से आपको 2 से 3 लीटर पानी सर्दियों में भी कंज्यूम करना है। इसके साथ आप फेस को, स्किन को कैसे हाइड्रेट करेंगे, इसके लिए आपको फेस क्लीन करना है। ये नहीं है कि सर्दियां हैं तो 2 टाइम फेस वॉश नहीं करेंगे, सर्दियां हैं तो भी आपको दोनों टाइम फेस वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। अगर ज्यादा ठंडा लग रहा है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर तक का हल्का सा गर्म कर सकते हैं, गुनगुना या गर्म नहीं करना, हल्का, बस एकदम ठंडापन जो बर्फीला पानी होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल में आ जाए बस, और उसके बाद उससे आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश अच्छे से रगड़ के कर लेना है। इसके बाद अपने स्किन पे आपको मिस्ट डालना है, या तो आप फेस वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई ना करें, उसके ऊपर से ही आप अपना मॉइस्चराइजर लगा लें, वरना आप अपने, अगर आते आते आपके करते करते फेस ड्राई होने लगता है, आप अपने किसी भी ब्रांड का, आपके पास कोई भी मिस्ट हो, फेशियल मिस्ट जिसको कहते हैं, इस तरह से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद उसी समय इसको सूखने नहीं देना है, आपको अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और सर्दियों में भी वो ऑयल और वो दिखता है, तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर चाहिए, वरना नॉर्मल मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ले रही हूँ डॉट एंड की का 72 आवर हाइड्रेशन जेल, 72 आवर्स हाइड्रेशन जेल ले रही हूँ, और इसको जो है इसी फेस मिस्ट के ऊपर से, यानी कि गीले फेस पे, इस तरह से मसाज कर ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ ये, आप लेंगे आपके पास जो मौजूदा मॉइस्चराइजर है, जो मौजूदा आपके पास अवेलेबल है मिस्ट, वो लेंगे। अब लोग पूछेंगे क्वेश्चन कि अगर मिस्ट भी ना हो तो कुछ चीजें स्किन केयर के आपके पास होनी चाहिए। अगर मिस्ट भी नहीं हो तो आप टोनर स्प्रे करिए और उसके ऊपर से अपना मॉइस्चराइजर जो है इस तरह से मसाज करके अपने स्किन पे एब्जॉर्ब होने दीजिए। अच्छे से जब स्किन पे मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब हो जाए, उसके ऊपर से सुबह के टाइम आपको सनस्क्रीन लगाना है जो आपको बेस्ट लगता हो, और रात के समय मॉइस्चराइजर के ऊपर आपको नाइट क्रीम लगानी है जो कि आप लगाते हैं। इस तरह से जब आप डेली करेंगे ना, तो आपके स्किन को मॉइस्चर मिलेगा, आपके स्किन को ट्रीट करेगा मॉइस्चराइजर, और आपका स्किन जो है वो हाइड्रेट होगा। धीरे धीरे आप देखने लगेंगे कि अंदर से आपकी बॉडी भी हाइड्रेट हो रही है, स्किन पे व्हाइट पैचेस पड़ने भी बंद हो गए हैं, और धीरे धीरे व्हाइट पैचेस भी दूर होने लगे हैं। ये स्किन केयर स्टेप्स जो है जल्दी आपको यूट्यूब पे सब कोई नहीं बताएगा, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छे स्किन केयर एक्सपर्ट से राय ली है, उसके बाद इसको पर्सनल एक्सपीरियंस का है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीच में मुझे हाइड्रेशन मतलब नहीं मिल रहा था, या डिहाइड्रेट हो रही थी स्किन, मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो कंसीलर लगा लेती हूँ तो वो हो जाता है, लेकिन फिर भी फेस वॉश करने के बाद भी मुझे यहाँ पे ड्राई पैचेस लग रहे थे, व्हाइट सा पैचेस आने लग रहा था,
वो अलग सा दिखने लगता है स्किन पे, इवन टोन नहीं होती है, वो पैसेस होते हैं। तो मैंने जब ये चीजें की और मुझे 7 दिन में फर्क नजर आने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपके साथ ये टिप्स जो है वो शेयर करूं। पानी पीजिए, फेस मिस्ट करिए, फेस क्लीन करिए, फेस मिस्ट लगाइए, फेस मिस्ट नहीं हो तो टोनर लगाइए, और उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर। सर्दियों के समय कोशिश करिए कि रिच मॉइस्चराइजर लगाए, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, सर्दियों पर भी आपको यहाँ पे ऑयल सा दिखता है, चेहरा चमकता है, तो ही आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाइए, वरना कोशिश करिए अच्छा सा रिच मॉइस्चराइजर लगाइए और उसको अच्छे से मसाज कर लीजिए जब तक स्किन आपकी एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद अपना सनस्क्रीन और फॉलो करें, या नाइट में नाइट क्रीम फॉलो करें। इस तरह की चीजें करने से आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, पैचेस दूर हो जाएंगे और स्किन इवन टोन लगने लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं टोनर यूज नहीं करती हूँ, हर कोई टोनर पसंद नहीं होता है, फेस मिस्ट घर पे कैसे बनाए। रोज वाटर लीजिए, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करिए। बिल्कुल आपने सही सुना, रोज वाटर लीजिए, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करिए, बॉटल को शेक करिए, आपको सबसे बढ़िया फेस मिस्ट तैयार हो गया। अब इसको आप जो है अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए, इसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए, मसाज करिए और नाइट क्रीम लगा के सो जाइए। सुबह आपने इस तरह से क्लीन स्किन केयर करके अच्छे से सनस्क्रीन लगाइए, उसके ऊपर अगर कहीं आप निकलते हैं तो मेकअप लगा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि पहले हफ्ते जब आप ट्रीट कर रहे हो अपने डिहाइड्रेटेड स्किन को तो मेकअप कम यूज करें, लेकिन हाँ हल्का फुल्का अगर बाहर निकलना है तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके स्किन केयर मस्ट है। फेस क्लीन करना हमने आपको जैसे कि बताया कि जितनी भी सर्दी हो फेस क्लीन करे बिना मत सोइएगा, फेस क्लीन उठने के बाद भी करिएगा, क्योंकि रात भर में ऊपर से डर्ट और चीजें छुपती हैं, सुबह ब्रश करते हैं तो वो भी इधर उधर लग जाता है, तो फेस क्लीन करना तब भी जरूरी होता है। इसलिए उठिए, फेस क्लीन करिए, स्किन केयर करिए और उसके बाद ही अगला स्टेप करिए, यानी कि मेकअप करिए, घर से बाहर निकलिए चाहे घर में रहिए। आई होप आपको मेरी स्किन केयर टिप अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या फॉलो करने वाले हैं या आपने ये टिप्स फॉलो की हुई हैं, और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज दो बार, एज एक नंबर है, किसी भी आप एज ग्रुप के हैं, मैच्योर एज के हैं, हम लोग के एज के हैं तो भी आप इस स्किन केयर को फॉलो कर सकते हैं, टीन एज के हैं तो भी आप इस स्किन केयर को फॉलो कर सकते हैं। ये स्किन केयर जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया ये ऑल एज टाइप्स है, तो इसको ऑल एज वाले हर एज के लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।